जब सत्ता की गर्मी किसी पर सिर चढ़कर बोलती है तो उसे सामने खड़ा हर इंसान छोटा नजर आता है। ऐसा ही एक मामला झारखंड से सामने आया है, जहां विधायक से परेशान होकर पुलिसकर्मियों ने अपना ट्रांसफर मांगा है। दरअसल महगामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह के व्यवहार से परेशान होकर गोड्डा जिले के थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों ने एसपी से खुद का ट्रांसफर करने की मांग की है। गोड्डा के महगामा विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मेहरमा, महगामा, हनवारा, बेलवाड्डा और ठाकुर गंगट्टी के थाना प्रभारियों और सभी पुलिसकर्मियों ने गोड्डा एसपी, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस एसोसिएशन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि हम सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को महगामा विधानसभा क्षेत्र के थानों से दूसरी जगह स्थानांतरण करने की कृपा की जाए, ताकि हम सभी विधि सम्मत सरकारी कार्य करते हुए अपने आत्मसम्मान को बचा सकें। साथ ही इस पत्र में लिखा है कि महगामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की विधायक दीपिका पांडे सिंह के निर्वाचन के बाद से ही थाना क्षेत्र में विधायक और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा धौंस दिखाकर हमेशा हमारे और अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिससे कि विधि सम्मत कार्य करने में काफी कठिनाई होती है। साथ ही वर्तमान समय में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन का अनुपालन कराने के दौरान में विधायक के कार्यकर्ताओं के द्वारा लॉकडाउन को तोड़ा जाता है और उनको समझाने और मना करने पर विधायक और उनके कार्यकर्ता पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। पत्र में थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों ने ये भी लिखा है कि विधायक के कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार निलंबित कराने की धमकी दी जाती है, जिससे थाने पर पदस्थापित पुलिस अधिकारी और कर्मियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इससे पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की भावना आहत है और मनोबल भी काफी नीचे गिरा हुआ है। अर्णब गोस्वामी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में बहुत ही अभद्र और निंदनीय टिप्पणी की है, और साथ ही साथ उन्होंने इस देश में जब हम सब सारे लोग कोरोना की जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, देश के इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। खबरों के मुताबिक पत्रकार अर्णब गोस्वामी के द्वारा किए गए बयान पर विधायक दीपिका पांडे सिंह महगामा थाना में एफआईआर दर्ज कराने गई, तो थाना प्रभारी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने अधिकारी से बात करके एफआईआर करूंगा। इसके बाद विधायक के 50 से ज्यादा समर्थकों ने थाने का घेराव कर लिया। ऐसा भी बताया जा रहा है कि थाने में जब एसपी पहुंचे तो विधायक थाने में ही धरने पर बैठ गई, जिसके बाद एसपी ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर के बाद विधायक दीपिका पांडे सिंह ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने को कहा, जिस पर एसपी ने अपनी असमर्थता जाहिर की तो विधायक ने कहा कि अभी ही सस्पेंड करना होगा। सवाल यह है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग पुलिसकर्मियों या फिर आम जनता को अपनी कठपुतली समझने की भूल कर बैठते हैं और कैसे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा जाते हैं। आखिर कब तक सत्ता में चूर लोग ये भूल करते रहेंगे। न्यूज़ डेस्क।